हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षा। वेलकम टू माय चैनल क्रिप्टो हिंदी। सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डॉट फाइनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अपकमिंग यील्ड फॉर्मिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में सारे डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसका टोकन सेल जो है 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल में 1 लाख रुपीज़ का गिव अवे कंडक्ट कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, वेरी सिंपल। इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उस फॉर्म को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो गाइस, फर्स्ट थिंग, डॉट फाइनेंस क्या है वो आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूंगा। सो बिफोर डॉट फाइनेंस जब लॉन्च हुआ था, तब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म गोल ये था कि इस पर्टिकुलर पैनकेक स्वैप हमको बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर कैसे है उस टाइप का एक प्रोटोकॉल डॉट पोल्काडॉट नेटवर्क के ऊपर लेकर आने के लिए ट्राई किया। सो अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है BSC पैड के ऊपर बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर आ रहा है एंड उसके ऊपर यील्ड फॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है। सो जस्ट लाइक डिफरेंट यील्ड फॉर्मिंग अपॉर्चुनिटीज, इसमें हमको एडिशनल यील्ड जो है जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे जनरेट कर सकते हैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो फर्स्ट थिंग जो है, डॉट फाइनेंस का मेन यूज केस ये है कि हमको अभी पैनकेक स्वैप में बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता है, 80%, 50%, 60% मल्टीपल प्लेटफॉर्म टोकन्स के ऊपर हमको डिफरेंट यील्ड मिलता है इन द फॉर्म ऑफ केक टोकन्स। सो उसमें हमको मेन इंपॉर्टेंट थिंग इस पर्टिकुलर डॉट फाइनेंस का क्या है कि इसमें आप कॉम्पाउंड कर सकते हैं, दैट टू ऑटोमेटिक कॉम्पाउंडिंग। सो अगर आप मान लीजिए, रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था आयरन फाइनेंस के बारे में। सो उसमें आप देखा तो USDC आयरन पेयर का APR जो है, APR मतलब एनुअल परसेंटेज रेट, उसका एनुअल APR जो है अराउंड 700% है। सो बट इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में आप स्टे किया तो ओनली आपको 700% ही मिलेगा। सो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी LP टोकन है, वो हम पॉलीकैट फाइनेंस में स्टे किया तो उसमें हमको ज़्यादा APY मिल रहा है, ऑलमोस्ट 121% एनुअल परसेंटेज यील मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है? सो क्योंकि पॉलीकैट फाइनेंस जो है एवरी 5 मिनट्स इस पर्टिकुलर जो भी LP टोकन इधर स्टेक्ड है उसका यील्ड जो है फॉर्म करके फिर से री इन्वेस्टमेंट करेगा। सो कॉम्पाउंडिंग की वजह से इसमें हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। सो फर्स्ट थिंग जो है, 700 APR को EPI कन्वर्ट किया तो 700 को एवरी डे कॉम्पाउंडिंग किया तो इट्स ऑलमोस्ट 100K% गाइस APY, दैट इज वेरी ह्यूज। सो कॉम्पाउंडिंग इज अ मैजिक। सो सेम मैजिक इस पर्टिकुलर डॉट फाइनेंस यूज करके ऑप्टिमाइजिंग कॉम्पाउंडिंग फाइनेंस एवरी ट्रांजेक्शन, एवरी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो यील्ड आ रहा है उसको कॉम्पाउंड करके आपको एडिशनल यील्ड जनरेट करेगा। सो इसमें एग्जाम्पल भी दिया। सो 40% APR आपको कॉम्पाउंडिंग किया तो आपको उसके ऊपर 49% भी जनरेट कर सकते। सो ये वेरी वेरी यूनिक थिंग है, कॉम्पाउंडिंग इज अ मैजिक इन फाइनेंस। सो वो सेम कॉम्पाउंडिंग यूज करके इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो भी हाई यील्ड जनरेट कर रहा है, सो दैट टू ऑन पैनकेक स्वैप। सो अभी आयरन फाइनेंस LP टोकन्स हमको क्विक स्वैप का टोकन्स पॉलीकैट में कैसे स्टेक कर सकते हैं, सेम वे BSC पैड का LP टोकन्स हम आके इस पर्टिकुलर डॉट फाइनेंस में स्टेक कर सकते हैं। डॉट फाइनेंस हमारे लिए ऑटोमेटिकली कॉम्पाउंडिंग करते रहेगा हमारा यील्ड को। बट उसके साथ साथ इसमें एक और एडवांटेज ये है कि इसमें जो भी आपको पिंक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, सो पिंक टोकन इसका नेटिव टोकन है। सो इसमें आपको एक इंडेक्स रहेगा, जो इंडेक्स जो है वो पिंक और BNB का प्राइस रिकॉर्ड करते रहेगा। सो अगर मान लीजिए, अगर आप $1,000 इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर आपको $100 का प्रॉफिट मिला इन द फॉर्म ऑफ BNB। सो वो जब भी आप विड्रॉ करते हो तो आपको $1,000 जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो वापस आ जाएगा। उसके साथ साथ $100 जो आपने प्रॉफिट बनाया उसमें से आपको $100 जो है इन द फॉर्म ऑफ BNB सोच लीजिए, सो उसमें 70% जो है आपको इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा एंड बाकी 30% जो है ऑटोमेटिकली पिंक टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा विद द करंट पिंक BNB इंडेक्स। सो पिंक BNB का एक इंडेक्स रहेगा, वो रेगुलरली चेंज होता रहेगा। सो उसके हिसाब से थोड़ा प्राइस ज़्यादा ही रहेगा। सो एंड उसमें आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू चेक किया तो अगर आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पिंक टोकन 30% जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा आपको इंस्टेड ऑफ 30% आपको मे बी 32% 35% प्रॉफिट जो है आपको पिंक टोकन्स में मिल जाएगा। सो इसमें मैकेनिज्म एक और एडवांटेज ये है कि जो भी आप विड्रॉ कर रहे हैं आपका टोकन डाइल्यूट हो रहा है, सो थोड़ा BNB में आ रहा है, थोड़ा पिंक टोकन्स में आ रहा है। सो पिंक टोकन्स को आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड आपको थोड़ा एडिशनल प्रॉफिट भी मिल रहा है। एंड उसके साथ साथ इसका एक डेडिकेटेड पिंक स्टेकिंग पूल रहेगा, उस डेडिकेटेड पूल में जो भी फंड स्टेक करते हैं उसको इस पर्टिकुलर 30% ऑफ BNB जो इधर से डिडक्ट हो गए पिंक डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो BNB जो है वो पिंक टोकन स्टेकर्स को जाएगा। सो इस टाइप ऑफ न्यू मैकेनिज्म के थ्रू दोनों साइड सो पिंक स्टेकर्स को भी प्रॉफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ अदर टोकन्स। तो अगर आप पिंक स्टेक किया तो आपको पिंक ही मिला तो आपको उसका टोकन वैल्यू नीचे जा सकता है, बट इसमें आपको डिफरेंट टोकन्स मिल रहा है।
उसके साथ साथ अदर टोकन जो स्टे कर रहा है उसको पिंग टोकन दे रहा है। सो थोड़ा मार्केट मिक्सिंग हो जाएगा एंड थोड़ा प्रॉफिट यील्ड ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा। सो थ्रू दिस मैकेनिज्म इस पर्टिकुलर डॉट फाइनेंस का प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑटो कंपाउंडिंग कर सकते हैं, फर्स्ट एडवांटेज। उसके साथ साथ आपको पिंग डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आपका यील्ड जो है थोड़ा बूस्ट हो जाएगा एंड आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ये इस कंप्लीट प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू है। सो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डीफाई एप्लीकेशन लाइक पॉलीकैट फाइनेंस वंस लॉन्च होने के बाद मैं डेफिनेटली उसमें भी पॉलीकैट फाइनेंस और आयरन फाइनेंस में मैंने $10,000 रिस्क करके आपको टेस्ट करके 3 डेज के बाद ही वीडियो बनाया। सेम वे मैंने इस पर्टिकुलर डॉट फाइनेंस में भी मेरा फंड्स फर्स्ट डिपॉजिट करूंगा, उसको टेस्ट करूंगा, अगर अच्छा प्रॉफिट दे रहा है तो तब आपके लिए उसका वीडियो लेकर आऊंगा। सो अगर आपको वीडियो नहीं मिस करना है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आयरन फाइनेंस वीडियो जो भी मैंने जब डाला, जो भी उसको देख के आयरन फाइनेंस में इन्वेस्ट किया, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 2x प्रॉफिट्स में चले गए। आयरन फाइनेंस का टोकन प्राइस जब मैंने वीडियो बनाया था $31 था, अभी ऑलमोस्ट $60 के पास आ गया। सो विद इन 3 डेज टाइम गए, सो दैट इज़ वेरी ह्यूज। सो इस टाइप का अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं मेरे चैनल में, इसलिए चैनल का नोटिफिकेशन भी एनेबल कीजिए, जब भी मैं कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करता हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। सो ये हो गया इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट ओवरव्यू। उसके साथ साथ अगर हम टोकन इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया तो टोटल सप्लाई 100 मिलियन टोकन है, इनिशियल सप्लाई 5.1 मिलियन टोकन्स एंड इसका इनिशियल मार्केट कैप अराउंड $297,000। सो इसका टोकन सेल 3 प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है, पूल्स, पेड इग्निशन एंड BSE पैड। सो पेड इग्निशन का वाइट लिस्टिंग फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो गया, मैंने टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी पोस्ट किया बहुत दिन पहले। सो आपको वाइट लिस्टिंग फॉर्म्स मिस नहीं करना है तो डेफिनेटली मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कीजिए। एंड उसके बाद इसका BSE पैड का टोकन सेल का वाइट लिस्टिंग फॉर्म अभी भी अवेलेबल है, अगर आप BSE पैड में टोकन स्टे किया तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको पेड पूल्स टोकन भी आपके पास अवेलेबल है तो आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूल का फॉर्म भी मैंने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया ऑलरेडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको भी फिल कीजिए। अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेशन मिल रहा है तो आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। सो इनिशियल कैप बहुत ही कम है, मे बी इसका यील्ड फॉर्मिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च होने के बाद मे बी इसका टोकन इनिशियली थोड़ा पंप होने का चांसेस है ड्यू टू APY, उसके बाद डंप होगा ऑब्वियसली, बट उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप थोड़ा अच्छा प्रॉफिट्स जो है बुक कर सकते हैं। सो ये गाइस आज का वीडियो ऑल अबाउट डॉट फाइनेंस। सो इस पर्टिकुलर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना एंड जो भी डाउट्स और क्लैरिफिकेशन है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।